नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको बगैर तेल की हरी मिर्ची की सब्जी बताने वाली हूँ। सब्जी इसलिए क्योंकि अगर हम अचार डालते हैं तो लंबे समय तक टिक जाता है और सब्जी के रूप में बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं खा सकते, लेकिन इस तरह से बना के खाते हैं तो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट लगती है। साइड डिश के रूप में हम बना के खाते हैं तो चलिए आज मैं आपको ये रेसिपी बताती हूँ। मैंने पाव हरी मिर्ची ली है जिसको धो के और इस तरह से मैंने चीरा लगा लिया है सब मिर्ची के। ये मैंने 3 चम्मच सौंफ ली है, इस तरह ऊपर तक भर के लिए मैंने 3 चम्मच। ये 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, ऊपर तक भर के लिया है मैंने। और ये 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, ऊपर तक भरा हुआ इस तरह भर लिया था मैंने। आधा चम्मच सफ़ेद वाला नमक, नमक आप अपने हिसाब से लें। और ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक लिया है, पिसा हुआ, घर पे पिसा है मैंने। 2 ये मैंने नींबू लिया है, एक थोड़ा बड़ा साइज का, एक थोड़ा छोटा लिया है। और ये मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था तो एकदम अच्छे से उबाला आ गया है पानी में। उबाल आने के बाद में हम जो हमारी मिर्ची है वो डाल देंगे। उबाला आने के बाद में डालें, अच्छे से इस तरह थोड़ा दबा देंगे और अच्छे से उबल जानी चाहिए, अच्छे से पक जानी चाहिए मिर्ची। तक हमारी मिर्ची उबल रही है तब तक हमने तवा गरम कर लेंगे और जो हमारी सौंफ है उस पर डाल देंगे और जीरा डाल देंगे और अच्छे से भून लेना है। जीरा और सौंफ को अच्छे से भून लिया है, खुशबू आने लग गई है। थाली में निकाल देंगे और फैला देंगे थाली में ताकि ठंडी हो जाए। अभी एक जार लेंगे और सौंफ और जीरा ठंडा होने के बाद में इसमें डाल लेंगे। नमक डालेंगे और पीस लेंगे, इस तरह बारीक पीस लिया है। प्लेट लेंगे, उसमें निकाल लेंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे, मिला देंगे अच्छे से। और बड़ी साइज का जो नींबू था उसका मैं रस निकाल रही हूँ। आप नींबू की जगह अमचूर भी डाल सकते हैं। अगर आप नींबू या अमचूर नहीं खाते तो वैसे भी मसाला भर सकते हैं। बगैर नींबू और चाट मसाला या कुछ भी नहीं खाते आप खटाई के रूप में अमचूर वगैरह जो आपको पसंद हो वो डाल के आप मसाला इस तरह तैयार कर सकते हैं। ये मैं पूरे साबुत नींबू का रस निकाल रही हूँ। अच्छे से मसाले को रस में मिक्स कर देना है। इस तरह हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला बिल्कुल नींबू के रस में मिक्स हो जाए। इस तरह हमारा मसाला तैयार है। मिर्ची चेक करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इस तरह घुमाते रहना है ताकि मिर्ची कच्ची नहीं रहे। जो पक गई है वो ऊपर रहनी चाहिए, जो नहीं पकी है उसको थोड़ा नीचे कर दें। इस तरह थोड़ा बीच बीच में घुमाना ज़रूरी है। अच्छे से मिर्ची हमारी उबल गई है, ये देखिए कलर भी चेंज हो गए हैं। अभी हम गैस बंद कर देंगे, चलने में निकाल देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये अच्छे से ठंडी हो गई है, इसके बाद में हम मसाला भरेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें मिर्ची को जब कट दें या मसाला भरें तो हाथों में तेल वगैरह ज़रूर लगा लें, क्योंकि बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, जलन हो जाती है बाद में। तो आप ध्यान रखें और फिर ही आप कटिंग करें और मसाला भरें। हाथों में कुछ न कुछ ज़रूर लगाएं और मसाला भर लेंगे। मसाला भर लिया है अच्छे से और उसके बाद में जो हमारा नींबू है छोटी साइज का उसका रस निकाल के डाल देंगे, मिला देंगे धीरे धीरे, आराम से मिलाएंगे ताकि रस पूरी मिर्ची पे आराम से लग जाए। इस तरह हमारी बगैर तेल वाली मिर्ची की सब्जी तैयार है। अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं मिर्ची को, तो आप 2 दिन तक खा सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 4 दिन खा सकते हैं, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं करें।
और उसके बाद में आप जैसे आपको जरूरत हो उस तरह बना के और खाइए। तो इस तरह हमारी सब्जी तैयार है बगैर तेल वाली मिर्ची। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।